कनेडा च लेटेस्ट मरदमशुमारी के अंकड़िया के मुताबक 14 साल तो घट उम्र के जोड़े कैनेडा च बच्चे ने उन्हों 7.7% बच्चे जोड़े ने वो कनेडियन मूल निवासी ने। इन 7.7% 14 साल तो घट उम्र के बच्चों चो 53.8% जोड़े बच्चे ने वो फोस्टर होम्स के अपने पेरेंट्स के कोल नहीं। 53.8% का मतलब है कि हर दूसरा बच्चा जो नेटिव अमेरिकन कैनेडियंस का है वो फोस्टर होम के है। पहला जीने का हक खोया गया, बिल्कुल इन्हों के रिसोर्स खोए गए, इन्हों का विरसा तबाह किया गया, फिर उन्होंने उस लाइफ स्टाइल वाल पुश किया गया जिसे क्राइम तो बिना या क्रिमिनल बनने तो बिना उन्होंने कोई चॉइस नहीं। कैनेडियन जेलों की फिगर्स देखोगे तो तुहानू मेजोरिटी मोर दैन जो पापूलेशन उन्होंने भावें बच्चों की 7.7% है, इन्हों चो मेजोरिटी जड़े ने वो ड्रगी भी होणगे, क्रिमिनल भी बनणगे, मर्डरर भी होणगे और इवेंचुअली जेलां भी भरणगे। जे तुहाडे कोल सियासी ताकत ना आई, पोलीटिकली तुसी अपनी किस्मत आप कड़न का हक ना आया, तो फिर याद रखियो कि तुहाडे बच्चे ते उहनां दे बच्चे ते उहनां दे बच्चे जां दफ्तरां च पड़ासी लगे होणगे, जां हिंदुआं दी मलकियत वाले होटलां दे बाहर सिक्योरिटी गार्ड होणगे, जां हिंदुआं दीआं कारां दे ड्राइवर होणगे मर्सिडीज कारां दे, ते जां लटेरे होणगे। दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट में गलबात कर जा रहे हैं कि कनेडा वालों जारी किए ताज़ा मरदमशुमारी के अंकड़े अनुसार कनेडियन मूल निवासियों के 14 साल तो घट उम्र के कुल बच्चों 53.8% बच्चे फोस्टर होम्स में रहते हैं। याद रहे कनेडा के मूल निवासी कुल आबादी का सिर्फ 7.7% हैं। इन्हों इस हाल तक पहुँचाने वाले जड़े ने गोरे बस्तीवादी हैं। सो लंबी जड़ी गुलामी चू यही कुछ निकलता है। सो इस बारे आप गलबात कर जा रहे हैं। सो असं चाहवेंगे कि दोस्तों ने इस तरह बने रहना, देखने सुनने और लिखने लिए थोड़ा सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने देखो इंसानी ईमानदारी यही होंगी है कि तुसी जिस आले दुआले चो उस दी बरीकी नाल छानबीन करो, बिल्कुल अपने आले दुआले नू देखो समझो, अपने आप नाल भी रिलेट करो, कुल इंसानियत दे नुक्ता निगाह तो भी देखो। इसे नूं ही जदों असीं दुनिया दे विच जदों अपने आप नूं एक मुसाफिर वांग कहिंदे हैं, मुसाफिर दा कोई पक्का टिकाणा नहीं हुंदा, और इसे नूं ही जदों डायलॉग दी गल हुंदी है, दुनिया चों कुछ सिखण दी गल हुंदी है, जां जिस नूं रूहानी दुनिया च वी बाबा फरीद जदों कहिंदे ने कि उठ फरीदा गवण कर दुनिया पालण जा, मत कोई बख्शया मिल पवी तू भी बख्शया जा। सो रूहानियत की दुनिया च भी तुसी हुंदे हो। गुरु नानक साहब ने फरमाया जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कही है, कहण तो पहला सुनन दी गल है, डायलॉग है, तुसी जानदे हो देखदे हो। मैं बहुत बार देखदा भी साडा एक वड्डा तबका, हालां असीं बड़े फखर नाल 1 मिलियन सिख अमरीका च, 1 मिलियन कैनेडा च, 1 मिलियन UK च उन्हां दा जिक्र करते हैं और प्रोस्पैरिटी की गल भी करते हैं, पर बहुत बार मैं ये लगता होंगे भी जसी असी जिस मानसिक खूंजे नू लै के नाल आए उही खूंजा साडा इत्थे रहिंदा, उही साडियां दालां सब्जियां, तो चलो साडी खुराक तो किसी भी खिते की हुंदी है, तुहानू तुसी चैरिश करते हो, रहिंदे भी असी अपने किस्म के नेबरहुड्स च हैं, साडे जिहड़ा बाकी भी रहन सहन जिहड़े ने उस मुताबक ने, पर बहुत थोड़े ने जिहड़े इन्हां मुल्कां जिन्हां च असी आए, इन्हां दा इतिहास की है और किवें इन्हां दे विच रहण वाले जिहड़े मूल निवासी लोग सी ओ किवें तशद्दुद दा जुल्म दा शिकार होए, किवें दूसरे तुहाडे हक्कां ते हावी हुंदे ने। और जदों तक असीं इह समझण दी कोशिश नहीं करदे, और मैनूं याद है कि जदों पहली बार डॉक्टर सिंथिया कैपले ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੇਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ
उसने मैनू जवाब ही पूछा कि भी जदों बाकी जड़े सफरिंग लोग ने इस मुल्क जां पिछे भी उन्हां दे विच की सिख जड़े ने उन्हां दे जड़ी उन्हां दे प्रोटेस्ट हुंदे ने उन्हां दीयां रैलियां जां उन्हां दे फंक्शन शमूलियत करदे ने ते मेरे कोल कोई जवाब नहीं सी क्योंकि मैनू पता सी कि भी असीं भी महदूद। फिर उन्होंने कहा भी देखो जदों जे तुसीं दूसरिआं दी हमायत भी चाहुंदे हो तुसीं चाहुंदे हो भी दूसरे तुहाडे लई खड़ोण तो फिर तुसी भी उन्हां दा हिस्सा बनो उन्हां दे और अल्टीमेटली दुनिया च उन्होंने कहा भी लगता ही हुंदा भी एक नाल बहुता हो रहा है जिहदे हाथ च ताकत आई है उन्हें उहदा बेकरकी नाल इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा भी इवें ही बहुत सारिया नस्लां जिहड़ियां ने उह गायब कर दित्तियां गईआं बहुत सारे लोग जिहड़े ने उह उत्तों किस थान ते उन्हां दा मुकाम सी कित्थे रोलिया गया और जाहिर है मैनूं हालां थोड़ा बहुत पढ़न दा शौक तां सी पर इस सारे तो बाद मैं जिहड़े लोग जिहड़े जिन्हां नूं अज लफ़ज़ मूल निवासी जां नेटिव बड़ा ऑनरेबल वर्ड है कहा गया जिन्हां नाल अमरीका जिन्हां नूं आके कोलंबस ने दबिया जां बाद गोरियां ने 20वीं सदी बिगनिंग तक भी जिन्हां दी हंटिंग कीती है रैड इंडियन ने नेटिव अमेरिकन कहा जाए पर नेटिव अमेरिकन तुसीं ना उहदा हरीजन रख दिओ दलित रख दिओ शड्यूल कास्ट शड्यूल ट्राइब कह दिओ उहदे नाल किसे दी किस्मत नूं की फर्क पिया है जां की पैणा है क्योंकि तुहाडी ज़हनीयत तुहाडियां नीतियां तुहाडी सोच तां उही है। सो इही गल इत्थों दे हवाले नाल भी है जदों फिर मैनूं थोड़ा बहुत इह देखिया कि भाई इत्थों दे जिहड़े मुल्क दे मालक सी नेटिव अमेरिकन जिन्हां दा नां तां रख्या गया उह कित्थे चले गए उहनां दीआं रिजर्वेशन मैं जाणदा जदों मौका बणिया मैं कहा ओहो इह तां उही है जो अज साढ़े पंजाब च हो रहा उही शराबी कोई इत्थे डिग रहा कोई उत्थे हर रोज़ सोशल मीडिया से खबर होंगी है कि फलां चिट्टा खा के मर गया एक तां ते दो भरा इको वेले 24 घंटिया की वित्त मर जा यही कहानी तुहानू इन्हां दी समझ आती है। यही जदों तुसीं आस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स की कहानी साढ़े वीर उत्थों साढ़े नाल जदों सांझा करदे ने मरदमशुमारी अंकड़िया जां उहनां ते बेस्ड की है लगता है कि भी ये तो जो अज असी अपना खतरा देख रहे हैं कि साढ़े नाल होण जा रहा जां हो रहा है ये उही कहानी है। यही कहानी जदों तुसीं न्यूजीलैंड दे उहनां दे ये तो देखोगे जी मॉरीज की लैंगुएज उन्हों का एंथम भी हुण हो गया लेकिन उन्हों का हाल देखो कैनेडा जिथे रेफरेंडम भी साढ़े हो रहे हैं जिथे असी पोलिटिकल प्रोसैस का भी हिस्सा है कैनेडा ब्रिटिश कॉलोनी फ्रेंच और ब्रिटिश का लंबा वक्त लेकिन इस तो पहला जोड़े इतों के असल मालक से मुल्क दे जे कहना होए नेटिव जिन्हों कहा जाता है उन्होंने नाल की हशर होया की हशर किया उन्होंने किवें उन्होंने बोली उन्होंने विरसा उन्होंने होंद उन्होंने मजहब सब कुछ डिस्ट्रॉय करके उन्होंने किवें फिर अपने जज्ब किया गया ये तो हूँ जदों मास ग्रेव्स निकलिया ने उन्होंने कैथोलिक स्कूलों के विचों कि किवें मार मार के उन्होंने की हाल किया जाता रहा फिर पोप भी भज्या आया किंग चार्ल्स भी आया जी माफ़ी मंग ली अगा हो गया रीकनसीलेशन कर लो फलाना कर लो और इस सारे चो अल्टीमेटली जो मैं मिलान कुंदरा दी हालां मैं ऑफ्टन कोट की होगी पता नहीं किन्नी बारी पर मैनू ये लगता भी ये तो बेहतर कोई डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता कि किवें कौमां डिस्ट्रॉय कीतियां जांदियां किवें कौमां नूं उहनां दे विरसे तो तोड़िया जांदा है किवें उहनां नूं उहनां दी जबान तो अड किया जांदा है और किवें उहनां दीआं जनरेशनज़ नूं खुद ही पता नहीं हुंदा कि उह की सन ते की बना दित्ते गए और यही मिलान कुंदरा दा कहना है कि द फस्ट स्टैप टूवर्ड्स लिक्विडेशन ऑफ ए पीपल इज़ टू डिस्ट्रॉय इट्स बुक्स इट्स कल्चर इट्स हिस्ट्री दैन हैव समबडी टू राइट न्यू बुक्स इनवेंट न्यू कल्चर क्रिएट न्यू हिस्ट्री बिफोर लॉन्ग दोज पीपल विल फॉरगेट वट दे वर एंड वट दे आर कि भाई ये जे तुसीं लोकां दा नामो निशान मिटाना है तो उन्हां दीआं किताबां तबाह कर दिओ उन्हां दी तहजीब तबाह कर दिओ और उन्हां दा विरसा डिस्ट्रॉय कर फिर नवा क्रिएट करो और उहदे च उन्हां नूं फिट करो और समा पा के वह गवाचे जे लोग को भुल ही जाणगे कि वह की सन की नहीं अज और उन्हां दा पिछोकड़ की सी हुण अज जिहड़ी खबर करके मैं इस सारे नूं अगेन फोकस च लिया रहा कैनेडा दी मरदमशुमारी दे लेटेस्ट फिगर्स जिहड़ियां ने कुछ रिलीज़ होई हैं और उन्हां दे मुताबक इस वेले जिहड़ी और जिस इशू ते मैं दस रहा भी किवें जनरेशन जदों असीं बच्चे बच्चियां दे हवाले नाल गल करदे हां फिर जनरेशनज़ दी बर्बादी जां उन्हां दा बनना हुंदा है
इस वेले कैनेडा च लेटेस्ट मरदमशुमारी दे अंकड़ियां दे मुताबक 14 साल तो घट उम्र के जिहड़े कैनेडा च बच्चे ने उन्हां चों 7.7% बच्चे जिहड़े ने वो कैनेडियन मूल निवासी ने आबादी के लिहाज नाल नेटिव कैनेडियनज ने 14 साल तो घट कुल पॉपुलेशन जिहड़ी कैनेडा की है उहदा वो 7.7% ने। हुण ये लगता है कि भी पहला ही दसदा भी वह किन्ना कि डिविंडल उन्हों का नंबर होया हूँ, लेकिन जिहड़ा मच ये दसदा है भी जिहड़ी गुलामी है वो तुहानूं कित्थे लै के जाती है। फिर इन्हां दे अंकड़ियां दे मुताबक कि इन्हां 7.7% 14 साल तो घट उम्र के बच्चों चों 53.8% जिहड़े बच्चे ने वो फोस्टर होम्स के विच ने, वो अपने पेरेंट्स के कोल नहीं ने। फोस्टर होम्स जिन्हों उस दे पैसे दिते जाते हैं बच्चे नूं पालन पोषण दे, सो उन्हां दा अपना घर कल्चर वो तो डिस्ट्रॉय होया होया, उन्हां नूं तुसीं उत्थों कढ़िया, उन्हां दी कोई होंद नहीं है और वो इन्ने जिहड़े ने अपने आप च गवाच जाते ने जां उन्हां दा कोई आधार ही नहीं रहिंदा है कि अल्टीमेटली वो जिवें इत्थे सोशल सिक्योरिटी वाले जिहड़े लै जाण जदों बच्चे अब्यूज्ड जां दूजे नूं फिर फोस्टर होम्स दे विच दे दिंदे ने। हुण 53.8% का मतलब है कि हर दूसरा बच्चा जिहड़ा नेटिव कैनेडियनस दा है वो फोस्टर होम दे विच है। और ईवन जिहड़ी परसेंटेज है जदों 2016 दीआं फिगर्स आईआं सी मरदमशुमारी दीआं उदों 52.2% सी जिहड़े नेटिवस दे नेटिव कैनेडियनस दे बच्चे फोस्ट, हुण 53.8% ने। हुण ये तो फोस्टर होम्स दीआं फिगर ने, पर जे तुसीं कैनेडियन जेलां दीआं फिगर्स देखोगे तो तुहानूं मेजोरिटी मोर दैन जे पॉपुलेशन उन्हां दी भावें बच्चों की 7.7% है, इन्हां चों ही मेजोरिटी जिहड़े ने वो ड्रगी भी होणगे, क्रिमिनल भी बनणगे, मर्डरर भी होणगे और इवेंचुअली जेलां भी भरनगे। फिर इन्हां नूं पहलां जीउण दा हक खोया गया, बिल्कुल इन्हां दे रिसोर्स खोए गए, इन्हां दा विरसा तबाह कीता गया, फिर उन्हां नूं उस लाइफ स्टाइल वाल पुश कीता गया जिहदे च क्राइम तो बिना जां क्रिमिनल बनन तो बिना उन्हां कोल कोई चॉइस नहीं। फिर तुसीं उन्हां दा स्टीरियोटाइप बनाओगे, बनाते हो कि भाई ये तो क्रिमिनल ने, इन्हां तों दूर रहो, इन्हां नूं तुसीं नफरत करो, और जे कोई पुलिस अफसर कोई दूजा गोली नाल मार दिंदा है, कोई टॉर्चर करके मार दिया, कोई दूजा कहिंदा हाँ, क्योंकि स्टीरियोटाइप बनया होया भी क्रिमिनल ने, ये तो मारे जाण दे काबिल ही ने। हुण इस सारे सिनेरियो नूं जिहड़ी कैनेडा दा चुक के पंजाब दे फ्रेमवर्क च रख दिओ, तुहानूं की नज़र आएगा? हुण यही कदे इस मुल्क दे मालक सी कैनेडा दे नेटिव कैनेडियन जी, उही नेटिव अमेरिकनस कदे इस मुल्क दे मालक सी अमरीका दे, उही एबोरिजिनस कदे आस्ट्रेलिया दे, उही मौरी न्यूजीलैंड दे जिहड़े सी मालक, उत्थों दे मूल वछिंदे सी, मूल निवासी सी। हुण पंजाब च 75 सालां च असीं कित्थे पहुँच गए, और ये गल जदों सर कपूर सिंह ने उसे कैनेडा दी धरती दे उत्ते 1970 च जदों अजे कोई दरबार साहब ते हमला नहीं सी होया, अजे कोई साढ़े ते आतंकवादी अलगाववादी और उग्रवादी दे लेबल नहीं सी लगे, उदों वैनकूवर दे एक पब्लिक हॉल दे विच खलो के एक डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग नूं एड्रेस करदे हैं सरदार कपूर सिंह और उन्होंने कहा सी कि इफ सिक्स वॉन्ट हैव द पोलिटिकल पावर, your sons and their sons and their sons will be the peons in the offices, drivers of Hindu owned Mercedes cars, security guards in front of Hindu owned hotels or wayside robbers, nothing more than that. ke je tuhade kol siyasi taqat na aayi, politically tusi apni kismat aap kadan da haq na aaya, तो फिर याद रखियो कि तुहाडे बच्चे ते उन्हां दे बच्चे ते उन्हां दे बच्चे जां दफ्तरां च चपड़ासी लगे होणगे, जां हिंदुआं दी मलकियत वाले होटलां दे बाहर सिक्योरिटी गार्ड होणगे, जां हिंदुआं दीआं कारां दे ड्राइवर होणगे मर्सिडीज़ कारां दे, ते जां लटेरे होणगे। हुण किहड़ा दिन है पंजाब च जिहदे च खबर नहीं हुंदी कि जी बाइक ते सवार ने बीबी का जड़ा वो नैकलैस खिंचया, उन्होंने भी घड़ीस लिया, मौतां हो रही ने, लुट्टां हो रही ने, मर्डर हो रहे ने, और ये सारा वर्तारा चल रहा है, और इस दे नाल नाल किस किस्म जवानी तबाही वाल जा रही है, डायरेक्शन लैस है, और हर कोई, और जो तुहाडे कोल सियासी पावर नहीं हुंदी उदों फिर अड अड तुहानूं शोर
ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਘਟੀਆਪਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦੌਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵੈ ਮਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਫਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਖੋਲੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜੇ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੜੇ ਲਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਂਗ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੰਬ ਡਰਿਵਨ ਕੈਟਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਜੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਡਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਫਰਡਸ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਕੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, ਜਾਂ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਤੋਪ, ਇਹ ਟੂ ਸੈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਚੁਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਣੀ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੂ ਸੈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਫੌਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦੇ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚੋ, ਬਾਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੇ ਸਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਝੁੰਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ BJP ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਚੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ EDM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੈ ਰੱਖ ਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।